शिवानी ऑटो, वेलकम टू माय न्यू रिव्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको पता, आज का रिव्यू पता आपको किस पे होने वाला है। आज का रिव्यू होने वाला है असुर 2 पे, जो कि मैंने देख के ख़त्म कर ली है। थोड़ा लेट देखना पड़ा मुझे, क्योंकि मैंने पहले उसका असुर 2 का, जो असुर 2 आई उसका पहला पार्ट मैंने नहीं देखा था, असुर 1 नहीं देखी थी। तो मेरे को असुर 1 भी पूरी देखनी पड़ी और असुर 2 भी पूरी देखनी पड़ी। और मैंने देख तो 4-5 दिन पहले ली थी, पर मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपको रिव्यू कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे काम थे और मेरे घर में थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए बैकग्राउंड ऐसा आ रहा है। पर मैं सोचा आज रिव्यू दे ही दूँ, नहीं तो काफ़ी टाइम देर हो जाएगी। तो असुर 2 के बारे में अगर मैं बोलूँ सिर्फ एक वर्ड में, ऑसम। ऐसी सीरीज़ मैंने नहीं देखी है, मतलब जो आपके बिल्कुल आपको दिमाग से मतलब खेल जाती है। और उसमें पूरा हमारे हिंदू धर्म में जो कली और कल्कि के बीच की लड़ाई दिखाई गई है, जिसमें मेन रोल कली का है। पर आपको, मुझे नहीं लगता जिनने असुर 1 नहीं देखी उसे मेरी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं आना कि मेरी बात किस चीज़ पे हो रही है। सो जिसने भी असुर 1 नहीं देखी वो पहले असुर 1 देखें जाके फिर असुर 2 को वॉच करें। और ये गारंटी है मेरी, आपने ऐसी सीरीज़ इंडिया में तो अभी नहीं देखी होगी जो कि पूरा हॉलीवुड को टक्कर दे रही है। हमारे हिंदू धर्म में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें उसमें पता चलेंगी, मतलब एक उस कॉन्सेप्ट पे उन लोगों ने पूरी सीरीज़ बना दी और हमारे दिमाग से इसे खेल गए हैं। मतलब आपको कोई भी एपिसोड में आप बोर नहीं हो सकते, आपका दिमाग चलता ही जाएगा कि अब क्या होगा। और इसमें मैं थोड़ी बेसिक आपको, इसका बेसिक प्लेटफॉर्म यही है कि जो पार्ट 1 में आपने देखा है असुर 1 में, उसी के आगे की कहानी है। कली जो शुभ है, शुभ को कलयुग को चरम पर पहुंचाना है, कि जिससे बहुत बहुत ज़्यादा पाप बढ़े दुनिया में। और जो विष्णु भगवान का अवतार है कलयुग, वो कलयुग जाएगा, लोग एक दूसरे को ही मारने लगेंगे, इंसानियत किसी में बचेगी नहीं। तो विष्णु का अवतार होगा, विष्णु जी का अवतार होगा कलकी अवतार में। सो वो कली और कलकी की इसमें लड़ाई दिखाई गई है। एक जो शुभ नाम का लड़का है उसे कैसे भी करके कल्कि जी को धरती पे लाना है, और वो भगवान को चैलेंज कर रहा है कि मैं इतना ज़्यादा कलयुग में अत्याचार मचा दूंगा कि आपको आना ही पड़ेगा। और वो खुद को अपने आप को कली का अवतार मानता है। जो आपको मैं एक थोड़ी सी नॉलेज दूँ, जो देवता आप लोगों ने कभी देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में था कि जब समुन्द्र से अमृत मंथन हुआ था, तो अमृत के साथ साथ वहाँ पे देवता और असुर दोनों एक लाइन में थे, दोनों ही वो अमृत को पीना चाहते थे। पर अमृत के साथ साथ उसमें एक विष भी निकला था कि उसको शिव जी ने उसे अपने गले में पिया था, तो उसकी कुछ बूंदे, और पार्वती जी ने उसे अपनी शक्ति से रोक दिया था, उनके गले भी रोक दिया था इसलिए। तो जब कुछ बूंदे उस विष की अमृत को असुर लोगों ने भी पी लिया था, जिसमें से एक था कली जो कि अमर हो गया था। और जिस वजह कुछ कहानी मिलेगी आपको, ये देखना पड़ेगा। तो पहले आपको पार्ट 1 जरूर देखें जाके, असुर 1, और फिर असुर 2 वॉच करें। ये गारंटी आपको, अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं देखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।